भगवान महावीर जैन आराधना केंद्र जालंधर की ओर से पंजाब प्रांत की औद्योगिक नगरी जालंधर शहर में नूतन वर्ष के पावन प्रसंग पर श्रीमद आत्म वल्लभ समुदाय के वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी आदि थाना का भव्य अति भव्य मंगल प्रवेश भगवान महावीर जैन आराधना केंद्र न्यू जवाहर नगर में हुआ। नववर्ष के शुभ अवसर पर हजारों की संख्या में प्रभु भक्तों ने आचार्य जी के मुखारविंद से प्रवचनों का श्रवण कर अपना जीवन सफल किया। इस अवसर पर आचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज ने कहा कि जब वे जालंधर आगमन के लिए चले थे तो उन्हें भक्तों ने अपने निवास स्थान पर ठहरने का आग्रह किया, जिसके बाद वह सोच विचार में पड़ गए कि किस भक्त के घर निवास किया जाएगा, जिसके बाद उन्होंने 295 कोहिनूर हाउस न्यू जवाहर नगर स्थित स्वर्गीय सुरेंद्र पाल जैन के निवास स्थान पर ठहरने का आग्रह स्वीकार किया। इस अवसर पर गुरु महाराज के शिष्य कार्य दक्ष मुनि श्री मोक्षानंद विजय जी महाराज और ज्ञानानंद महाराज भी शामिल रहे। तो वहीं आचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज ने स्वर्गीय सुरेंद्र पाल जैन की जैन समाज को दी गई 51 लाख रुपयों की धनराशि की भेंट सेवा की सराहना करते हुए कहा कि सुरेंद्र पाल जैन परिवार की सेवा को कभी नहीं भुलाया जाएगा और आज उनके दिए गए संस्कारों को उनका बेटा निपुण जैन समाज की सेवा कर निभा रहा है। इस दौरान स्वर्गीय सुरेंद्र पाल जैन के सुपुत्र निपुण जैन को विशेष रूप से सम्मानित भी किया गया। तो वहीं जैन परिवार के सदस्यों निपुण जैन, विनेश जैन, कमल जैन की ओर से आचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी का जालंधर पधारने पर धन्यवाद किया गया। आज साल में ही कल मैं जब जालंधर आ रहा था, सुबराया बैठे थे और काफी भक्तों की भावना थी कि गुरुदेव आपका स्वयं जालंधर पधार जाएंगे तो रात स्थिरता का लाभ हमें दिया जाए कई लोगों की भावना। लेकिन मेरे मन में आया कि भैया जो मेरे दिल से जुड़ा एक व्यक्तित्व था जिसको मैं कभी भुला नहीं सकता, सुरेंद्र पाल जी है, आज चाहे वो हमारे बीच नहीं लेकिन हमारे दिलों में हमेशा हमेशा के लिए उनका स्थान स्थायी है और उन्होंने इस संघ समाज के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत बड़ा योगदान है। आज यह जो न्यू जवाहर नगर का है आराधना केंद्र इसमें स्थिति में आज मुकाम तक पहुंचा है, सभी का योगदान है, सभी का साथ है, लेकिन उसमें उनके योगदान को भी सुरेंद्र पाल जी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। पाली जाने की मुझे भूमि पर ही मेरा आचार्य पद का समारोह था, उस समय भी काम जी उड़ाने का लाभ भाई सुरेंद्र पाल जी परिवार को बिना कुछ बताए, जबकि अकेले कहीं पर भी आना जाना सही नहीं था, ऐसी स्वास्थ्य लेकिन फिर भी परिवार को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया और सीधा अकेले मेरे पास जेतपुरा पहुंचे। दिल की बात है कि मैंने आश्वासन दिया और उसके बाद आने के बाद उनका साथ दिन प्रतिदिन बिगड़ता गया। हमारे से मैंने कल साथ से कह रहा है कि भैया बाबू मैं रात्रि में साथ तेरे हाथ में रात में चिंता करी, रात को भी बाबू ने कहा गुरुदेव आप ये न मानना कि सुंदर पर चला गया, हम आज भी आपके लिए उसी तरह से खड़े हैं, हमारे जो भी आदेश होगा आदेश देना। मैंने कहा सुबह बात करेंगे, उसमें मैंने सहज में सब बात चली और कहा कि भैया बोले मुझे हमारे जो भी आदेश हो आपका आदेश से हम आते बन।
मैंने सर भी एक आध मिनट बात करी कि मैंने भैया देख बोला हूँ मुझे निकलना है, मैं गुरुदेव आदेश दो। मैंने कहा भैया ये चातुर्मास पाली भरना करने की मेरी भावना है, संयोग से आज नववर्ष का शुभारंभ होने जा रहा है, इस जो भी इच्छा हो अभी तक मैंने किसी को कहा नहीं, आज से शुरुआत करने जा रहा हूं, तेरी जो भावना हो पहले ये तो रख दे, मैं अपना कार्य करूंगा। और अभी तो मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा भी नहीं था, मैं तो 5-11-21 तक ही सोच रहा था, लेकिन वो बुना गुरुदेव आपका पाली तारा की पुण्य भूमि पर चातुर्मास और जहां पर हमारे पिताजी ने आपको आचार्य पद भी नहीं काम भी उड़ाई हो, आदर की ज्यादा समर्पित की हो, उस पुण्य भूमि पर चातुर्मास तो गुरुदेव मेरी ओर से 51 लाख रुपए की राशि में कितनी उदारता सुनो। इतनी उदारता, इतनी समझ उदारता, मैंने कुछ आंकड़ा भी नहीं कहा, समझ नहीं गुरुदेव 5-10 तो क्या आपने इतनी बड़ी कृपा करी है और मेरे बीच कहीं भी आप मेरे घर पर आ रहे हैं, रात्रि विश्वास को मुझे लाभ दिया है गुरुदेव, आप बिना झिझक मुझे लाभ दीजिए। और आज पहली बार नहीं, आप जब भी हो मुझे आज भी याद है कि वीरलक्ष्मी देव धाम की जब अंजनता का प्रतिष्ठा की जय बोली गई, चेन्नई में वीरलक्ष्मी धाम प्रतिष्ठा की जय बोली, और जय बोलने के बाद जैसे ही ट्रस्ट मंडल बाहर आया सबसे पहला फोन आया इस परिवार का और कहा कि प्रतिष्ठा के दिन का पूरा लाभ मुझे दे, पूरा नवकाशी का लाभ, सुबह नाश्ता भोजन स्वामी वचन पूरे दिन का लाभ, जो भी लगे जितना भी लगे पूरा लाभ मुझे दिया जाए। सच में भी सुंदर बाजी के बाद भी बच्चों ने जो उस परिवार का नाम रोशन किया, माता पिता का नाम रोशन किया है और गुरुओं के दिलों में जो स्थान को अपने आयत को दिया है, इतना तो मैंने भी नहीं सोचता था कि बिन मांगे मुझे इतना मिल जाएगा। मैंने सर में इशारा किया और बब्बू भैया ने एक पल नहीं लगाया, ये भी नहीं कहा कि मैं इससे पूछूं उससे पूछूं, अकेला ही मेरे पास था गुरुदेव, मेरी ओर से इस झोली में 51 लाख रुपए की सौ, बहुत बहुत धन्यवाद। एक पल ऐसा दे कि हम उसको भूल पा रहे हैं, वो कैसी जीव आत्मा थी और आज परसों 2 साल हो गए कि उसको 3 तारीख को 3 जनवरी 2022 का वो दिन था जो हमारे समाज के लिए एक बंद पल की तरह है। इतनी निकटता गुरु कभी अपने शिष्य के सामने रखता है और जब गुरु के अखियों में आंसू हो तो हम समझ सकते हैं कि वो भक्त कितना करीब होगा।
से सुरेंद्र पांडे कैसे जुड़े थे, वर्षों वर्षों का संपर्क रहा, लेकिन मुझे एक भी प्रसंग ऐसा याद नहीं जब जब भी जो कुछ भी कहा उन्होंने कभी इनकार किया। मुझे एक भी प्रसंग याद नहीं, जो कहा जितना कहा उसे अधिक उन्होंने दिया। और आज मेरी परंपरा उनके बच्चे भी निभा रहे हैं। मैंने सोचा था 11 लाख देर में बहुत बड़ी बात है, लेकिन बोले नहीं देखा होना। बहुत ज़्यादा कई अंतरंगता थी, बहुत ज़्यादा निकटता थी परमात्मा वात्मा जहाँ भी